वेलकम, एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट प्लेयर्स के बारे में। आप लोगों को जैसा मालूम होगा, आरसीबी के पास इंडियन प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आरसीबी के पास ले देके अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करेंगे तो आपके पास विराट कोहली का नाम निकल के आएगा, फिर मोहम्मद सिराज का, मतलब बिग प्लेयर यही दो है, इनके अलावा कोई भी ऐसा बिग प्लेयर नहीं है जो आपकी टीम में खेलता हो। तो मेरे हिसाब से इस बार आरसीबी ट्रेड करवाने वाली है शिवम दुबे को। जी हाँ, शिवम दुबे को आरसीबी टीम ट्रेड करवा सकती है फिर से अपनी टीम में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है शिवम दुबे की जो हाल ही परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। अगर आरसीबी मैनेजमेंट सीएसके की मैनेजमेंट से बात करता है तो वो सीएसके से ट्रेड करवा सकते हैं आरसीबी में, क्योंकि आरसीबी को चाहिए मिडिल ऑर्डर में कोई ऑलराउंडर प्लेयर। अगर वो इंडियन है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे कि आपके पास ओवरसीज में एक ही ऑलराउंडर है जिनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अब विल जैक्स को आपको देखना पड़ेगा आप कैसे अपनी प्लेइंग 11 में खिलाते हो। अगर आपकी टीम में शिवम दुबे आते हैं तो आपके टॉप 5 में या फिर टॉप 6 में एक लेफ्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और आप लोगों को जैसा मालूम है स्पिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेलते हैं। वहीं पे आप लोगों को जैसा मालूम है आरसीबी को चाहिए स्पिन हिटर जो स्पिन अच्छी खेलता हो, क्योंकि आरसीबी के ज़्यादा बैट्समैन स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। विराट कोहली को स्पिन के सामने दिक्कत होती है, फाफ डुप्लेसी को दिक्कत होती है, वहीं पर दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, महिपाल लोमरो, इन सबको स्पिन के सामने दिक्कत हुई है सिवाय ग्लेन मैक्सवेल के। तो मेरे हिसाब से एक और बैट्समैन आपको मिल जाएगा जो कि अच्छी खासी स्पिन खेलता है, वहीं पर फास्ट बॉलिंग भी आपके लिए कर देगा। आपकी टीम से खेल चुके हैं पहले भी कुछ सालों में, तो आपकी टीम से खेलने का एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो मेरे हिसाब से इस बार आरसीबी शिवम दुबे को अपनी टीम में ट्रेड करवा सकती है, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि आरसीबी के पास कोई भी इंडियन ऑलराउंडर नहीं है। आप लोग अगर किसी और भी टीम में जाओगे तो आपको इंडियन प्लेयर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस में जाइए आप, वहाँ पे आप लोग ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, वहीं पर सीएसके में आप लोगों को रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, मतलब प्लेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंडियन। तो मेरे हिसाब से इस बार आरसीबी भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, वो अपनी प्लेइंग 11 में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्लेयर को रखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी शिवम दुबे को ट्रेड करवा सकती है सीएसकी टीम से, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी और अनदर टॉपिक वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट्स बता देना, मैं उस टॉपिक वीडियो को कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।